हाँ तो दोस्तों, अब मैं आज के वीडियो में बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आपके लिए लाया हूँ। मोटर और जनरेटर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। देखिए होता क्या है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, आ जाता है कि मोटर क्या है, जनरेटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा और हम आशा करते हैं आपको आ रहा भी होगा। लेकिन जब इसको पॉइंट आउट करना होगा ना, तो बुद्धि फेल हो जाती है, समझ में नहीं आता कौन सा पॉइंट लिखें। इसलिए हम पॉइंट पहले से लिख करके आपके सामने लाया हूँ। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मतलब क्या मैं समझा देता हूँ, कॉपी पर आप हिंदी में अच्छे से लिख लीजिएगा, कुछ आप भी करो यार। पहले क्या, ये जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, आप जानते भी हैं कि प्राइम मूवर लगाते हैं, वो आर्मेचर को घुमाता है, फ्लक्स उससे कटते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या है, मोटर में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे आपका पंखा है, इलेक्ट्रिकल लिया, घुमाया, मैकेनिकल एनर्जी आपको मिला। ठीक है, तो मोटर क्या करता है, जनरली क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है, सिंपल सा है। इसके बाद देखिए, इसमें ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं भाई। कटा फ्लक्स किससे, कंडक्टर से, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वो चार्ज को एनर्जी दिया, चार्ज फ्लो हुआ, जो उसके पास एनर्जी बचा भाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो ईएमएफ के कारण ही वोल्टेज आया ना, जो एनर्जी उसके पास बचा वही उसका पोटेंशियल है। दो पॉइंटों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, वोल्टेज है, तो इसी के कारण ये आया ना, इसलिए दोनों एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, अरे भाई बैटरी का टर्मिनल बॉक्स है तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो उसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, क्यों, क्योंकि यही ये इसको ला रहा है। ठीक है, ला नहीं रहा आप कह सकते हैं, इसके बाद ये आता है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन लेकिन इसमें जो ईएमएफ होता है सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होता है, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ कहते हैं मोटर के आर्मेचर में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्लक्स कॉइल से कटते हैं, फ्लक्स कॉइल से कटते हैं, जैसे मोटर में क्या है, आपने इसका सिद्धांत पढ़ा है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को रख करके जब उसमें करेंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, उस पर एक टार्क अप्लाई हो जाता है जिससे वो रोटेट करने लगता है। सिंपल सी बात है, तो भाई जब वो रोटेट करना शुरू करेगा तो कॉइल से फ्लक्स भी तो कटने शुरू हो जाएंगे। जब कॉइल से फ्लक्स कटेंगे तो कॉइल में ईएमएफ भी तो इंड्यूस्ड हो जाएगा, और जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन, तो ये ईएमएफ उसी कांच का अपोज करेगा जिससे वो जनरेट हो रहा है, तो सीधे वो सप्लाई वोल्टेज का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो मोटर में ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अपोजिट टू रोटेट, हमने जनरेटर में आपको दिखाया था कि जब आपने प्राइम मूवर लगाया तो वो रोटेशन आया, आर्मेचर घूमने लगा, जब आर्मेचर घूमने लगा तो फ्लक्स कटे तो भाई जब फ्लक्स कटे तो अब आर्मेचर में करंट भी तो फ्लो हो गया। जब आपने घुमाया, फ्लक्स कटे तो आर्मेचर में करंट भी तो फ्लो हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर आ गया, आर्मेचर में करंट फ्लो हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड पर अब जो है आर्मेचर पे एक टार्क भी तो अप्लाई होगा, अब वो उसी कांच का अपोज करेगा जिससे उत्पन्न हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क जो जनरेटर में अप्लाई होगा वो मैकेनिकल टार्क के अपोजिट होगा, लेकिन कम होता है, इसलिए मैकेनिकल टार्क के डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है बेचारा जनरेटर। लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क उस पर अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्टिव होता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा हावी ना हो पाता है कि उसको रोक दे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जनरेटर जब घूमता है तो फ्लक्स कटते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका पोल है, यहाँ पर कंडक्टर है, जब ये घूमेगा तो इससे फ्लक्स कटेंगे तो करंट भी तो फ्लो हो गया मेरे भाई। और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इस पर टार्क भी तो अप्लाई होगा, इस पर टार्क भी अप्लाई होने लगता है, और उसको वो हमेशा उसी कांच का अपोज करता है जिससे उत्पन्न हुआ है। तो मैकेनिकल टार्क जिससे आप घुमा रहे हैं उसी से उत्पन्न हो रहा है, इसके अपोजिट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क यहाँ पर क्या होता है, अप्लाई होता है। लेकिन जो टार्क आपने लगाया है उसी डायरेक्शन में, जो मैकेनिकल टार्क आपने लगाया है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अपोजिट टू रोटेशन होता है इन द केस ऑफ जनरेटर। लेकिन मोटर में क्या है, इसी टार्क से ही रोटेट कर रहा है तो कैसे दोनों अपोजिट हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। यह जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करा दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क उस पर एक्टिव हो गया, अब जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क एक्टिव होगा उधर ही उसको लेकर रोटेट कराएगा ना, तो जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अप्लाई होता है उधर रोटेट कराता है। जैसे अभी हमने बताया, यहाँ एन था, यहाँ पे एस था, यहाँ आपका कंडक्टर था, यहाँ क्रॉस था और यहाँ पे डॉट था, तो यहाँ क्या बन गया था, यस बन गया था, यहाँ पे क्या बन गया था,
यहाँ पे एन बन गया था, तो आपने क्या देखा, ये इसको अट्रैक्ट किया, ये इसको अट्रैक्ट किया, तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अप्लाई हो गया उसी से कारण ये रोटेट कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंस हो गया। फिर देखिए, इट डिलीवर सप्लाई बाय कार्बन ब्रश, जनरेटर सप्लाई देने का काम करता है, तो यही क्लियर हो गया है। तो कार्बन ब्रश लगा कर इससे सप्लाई ले सकते हैं, आप लिखेंगे कार्बन ब्रश लगा करके जनरेटर से हम सप्लाई लेने का काम करते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे, इट टेक सप्लाई फ्रॉम टर्मिनल बॉक्स, या टर्मिनल बॉक्स से सप्लाई लेने का काम करता है। भाई आप जो सप्लाई आप देंगे तभी मोटर घूमेगा, तभी सप्लाई जब देंगे तभी ना, आप घर में मोटर लगाए हैं तो ये बताइए, घर में जो आप मोटर लगाए बिना सप्लाई के चला देते हैं क्या, सप्लाई देते हैं, तो ये टर्मिनल बॉक्स से सप्लाई ले करके ये जो है काम करता है, और ये कार्बन ब्रश से सप्लाई देने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड, पूरा लिखने का आपको पूरा लिखना है कि ईएमएफ के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग का दाया हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो ये थिक कॉमन और बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, ये बहुत बार बीटी एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको, इन पॉइंट को बेटा आप अपने मन से लिखिएगा, बस समझ यहाँ लीजिए, जब तक अपने मन से ना लिख लीजिएगा तब तक छोड़िएगा मत इसको अपने आप से, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो आज के पहले चैप्टर में मैंने सारी बातें पढ़ा दी जितने भी इंपॉर्टेंट है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम उन बातों पर ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो डीसी मशीन अगला चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन हम लेकर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन क्या होता है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछता है, फिर हम बताएंगे ईएमएफ इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टेड चीजें हमको बताने वाले हैं, आर्मेचर रिएक्शन, एम एन ए जी, अन्य बहुत सारी चीजों को हम शुरू करेंगे। आपका बस काम है कि शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इस पर चैनल चल रहे हैं, आप जब एक्टिव करेंगे बच्चे इस पर आएंगे तो भाई एक मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो कंटिन्यूटी आपको मिले, वीडियो की कंटिन्यूटी होगी आपको हमेशा वीडियो मिलेगा, फ्री आप कास्ट मिल रहा है, दिक्कत क्या है, आप बस दो बच्चों को बताइए और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो, ताकि हम चैनल ग्रो होगा तभी ना यार हम और चीज़ों को लॉन्च करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद,